हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया में आए हुए हैं संजीव सर के यहाँ, और बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो है लोक आस्था का पर्व है। हमेशा जो है उगते हुए सूरज का पूजा किया जाता है, लेकिन इस पर्व में जो है डूबते हुए सूरज की क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, इसीलिए लोक आस्था का पर्व माना जाता है। और ये बिहार और यूपी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, त्यौहार है। इसमें सभी लोग जो है फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, दूर दूर से, दिल्ली से, जहाँ भी रहते हैं सब कोई अपने घर त्यौहार मनाने के लिए आते हैं। और आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं, और ये सब हमारे भतीजा भतीजी है लोग, और इन लोगों से आज हम लोग जानेंगे ग्रामीण क्षेत्र का मजा कैसे ले रहे हैं। बोलिए, बोला छोटू। सारे बच्चे जो है बाहर आके पढ़ते हैं, कोई कोटा एलएन में पढ़ता है, तो कोई बंसल में पढ़ता है, कोई पटना पढ़ता है, कोई दिल्ली आकाश इंस्टीट्यूट में, सब कोई नीट का तैयारी करता है। आज हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं छठ के त्यौहार में, और आज हम लोग बच्चा के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चा से जानेंगे कि कैसा एंजॉय है गाँव का। बताओ निहाल जी, बताएंगे जी। तिवारी सर प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत जल्दी संजीव सर के यहाँ तिवारी सर आए हैं, और छठ हम लोग सब कोई मिल के मनाया है, बहुत मजा आया है छठ में। छोटू आप भी कुछ बोलिए। हम बहुत खुश है कि तिवारी सर से हम मिले हैं, तिवारी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे हमें बहुत पढ़ाई लिखाई के बात आज नहीं कर रहे, चलो बोलो। हाँ, बहुत प्रेरणा मिलते, हमेशा कहते संघर्ष करो, जीवन और पढ़ाई सबसे संघर्ष। अच्छा एक बाबू तुम बताओ, भोजन का मंत्र आज बोल दो तो, बहुत अच्छा मंत्र भी बोलता है ये बच्चा, बोलो। ओम ब्रह्मा ब्रह्मावी ब्रह्मा गणो ब्रह्मावतम ब्रह्मैवते तिन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवियं करवामहे तेजस्विनामहे धीमस्तु मा विश्वामहे। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप धन्यवाद। गलती गलती गइले है, और ये कुछ सोच नहीं कि अरे तू सोच के क्या बोल रहा है। गलती गलती गइले बा, गलती गलती। चलिए अमन बाबू आप भी बताइए, गांव में आए कैसा आपको फील हो रहा है, गांव का मजा कैसा आ रहा है। हम लोग बेतिया में रहते हैं, लेकिन उतना मजा नहीं आता है जितना गांव में आता है। यहाँ पे सामूहिक छठ मनाया जाता है, और यहाँ पे सब लोग साथ में मिलकर छठ मनाते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ ऑक्सीजन के लिए हमको हम लोगों को पार्क में जाना पड़ता है, यहाँ पूरा ही ऑक्सीजन है, पूरा एकदम बहुत मजा आ रहा है, हरियाली हरियाली। चलिए धन जी कुछ बोलिए आप। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं, उम्मीद होगा अच्छे हैं। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा होगा उसका छठी भाई हर एक मनोकामना पूरा करे। हम लोग गांव में आए हैं छठ मनाने, यहाँ बहुत मजा आ रहा है, सब कोई साथ मिल के छठ मना रहा है, जितना पटना में उतना अच्छा नहीं लगता जितना गांव में। हेलो गाइस, कैसे आप सभी, उम्मीद है कि बहुत आप लोग अच्छे होंगे, और छठ महापर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का जो भी ड्रीम हो भगवान छठी मैया पूर्ण करे एकदम। इस बार गवर्नमेंट जॉब का टैग लग जाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एक आपके ऊपर टैग लग जाए, उसके बाद छठ मनाने का आनंद ही कुछ और है। और हम लोग गांव में आए हुए हैं, शहर से तो तंग आ चुके हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा मात्रा में रहता है पटना में दिल्ली में कि पूछना ही नहीं है। और गाँव का मज़ा ही कुछ और है, गाँव गाँव ना होता है भाई, क्या बाबू। जी जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं ना है। शहर में तो ये वो फैन चलते रहता है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, तभी भी इतना गर्मी होता है, एसी लगा दो कूलर लगा दो तभी भी पसीना से थकमक आदमी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कमरा ओढ़ना पड़ रहा है, ऐसा माहौल हो चुका है क्या। और ये अमन जी हैं, मेरे भतीजा जी हैं, और इनका नाम छोटू जी है, ये मनीष जी है, और ये निहाल जी है, जो आप लोगों के बीच बहुत जल्दी पटना में मिलेंगे। क्या कौन क्लास में पढ़ते हो यार। नाइन्थ क्लास जी। नाइन्थ का स्पेलिंग बता दो तो। NINETER तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया नाइन्थ का स्पेलिंग बताकर। देखिए गांव का हरियाली कैसा जबरदस्त है,